नमस्कार, प्रणाम। मैं सीमा कुशवाहा, रोहतास बिहार से। साथियों, आज मैं देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को लेकर और नेताओं की चुनावी प्रक्रिया को भी लेकर आप सबों के बीच अपनी बातों को शेयर कर रही हूँ। साथियों, देश में बेरोजगारी अब तीन तरह के पाए जाते हैं। एक, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, और दूसरे होते हैं चयनित बेरोजगार, जो एग्जाम की नौकरियां तो निकाल लेते हैं लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिलता, और तीसरे होते हैं योग्यता से कहीं कम पर नौकरी पाने के बाद एक तरह के बेरोजगारी झेलने वाले नौजवान। सवाल उठता है, आखिर ऐसी हालत क्यों होती है? क्या नेता बनना आसान हो गया है और सरकारी नौकरी पाना मुश्किल? नेताओं की चुनावी प्रक्रिया और नौकरी की भर्ती प्रक्रिया की तुलना देखिए। नेता किसी चुनाव में उतरते हैं तो नामांकन की तारीख तय रहती है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में नौकरी कब निकलेगी पता नहीं होता। इसके बाद नेताओं को चुनने के लिए किस दिन वोटिंग होगा इसकी भी तारीख तय रहती है, लेकिन भर्ती का निकला विज्ञापन, परीक्षा भी होगी, इसकी गारंटी तय नहीं होती। चुनावी नतीजा कब आएगा इसकी भी तारीख तय होती है, लेकिन भर्ती परीक्षा के नतीजे कई महीनों कई वर्षों तक लटके रह जाता है। इलेक्शन का नतीजा आता है तो नेता जी शपथ किस दिन लेंगे इसकी भी तारीख तय रहती है, लेकिन सरकारी नौकरी का नतीजा भी निकल गया तो नियुक्ति पत्र मिल जाएगा ये भगवान भरोसे रह जाता है। देखिए, अगर चुनाव में कोई विवाद हुआ तो अदालत से फैसला हाथों हाथ होता है, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षा का मामला अदालत में गया तो वहां से फैसले की तारीख कब आएगी कुछ तय नहीं होता। इसके कारण ही आज देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। ये जो सरकारी नौकरी प्रक्रिया का जो सिस्टम है इसमें सुधार की जरूरत है, तब जाकर हमारे देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य सुधर पाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।